फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल समृद्धि अकेडमी। आज हम लोग एक नए वीडियो के साथ आए हैं और आज का हमारा टॉपिक है क्लास 11th का कॉमर्स का एक सब्जेक्ट है अकाउंट्स। आज हम लोग अकाउंट्स का बेसिक टर्म करेंगे कि अकाउंट्स होता क्या है, अकाउंट्स में अकाउंटिंग कैसे की जाती है, ये सारा कुछ आज हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। तो ये जो है, अभी जो बच्चे एडमिशन लिए क्लास 11th में, जिनके लिए जो अकाउंट्स है वो न्यू सब्जेक्ट है, तो उन लोगों को इस वीडियो के थ्रू आसानी से समझ में आ जाएगा कि अकाउंट्स होता क्या है, अकाउंटिंग कैसे की जाती है और अकाउंटिंग करना क्यों ज़रूरी होता है। हम लोग धीरे धीरे हर एक टर्म को अच्छे से क्लियर करते जाएंगे। कोशिश करेंगे कि इस वीडियो के थ्रू आप लोगों को यहीं पर सब कुछ अच्छे से क्लियर हो जाए और सब कुछ यहीं पर याद होता चला जाए। उसके लिए आप लोग भी इसको ध्यान से सुनिए, समझिए और कोशिश करिए समझने का, ये कोशिश करिए कि आप लोगों को क्लास में सब कुछ याद होता जाए। तो शुरू करते हैं चैप्टर 1, मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। हम लोग को सबसे पहले समझना है कि अकाउंटिंग का मीनिंग क्या होता है। कुछ मीनिंग मैंने यहाँ पर लिख रखा है, इसे आप देखिए। अकाउंटिंग इज़ द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, classifying and summarizing in a significant manner and in terms of money, transaction and events which are in part at least of a financial character and in interpreting the results thereof. तो समझना है कि accounting क्या होता है। तो यहाँ पर कुछ word आए हैं, recording, classifying and summarizing। तो इसके लिए आप लोगों को परेशान होने का ज़रूरत नहीं है, मैं इसके बाद इसको मीनिंग को समझाने के बाद अच्छे से क्लियर करूँगी कि रिकॉर्डिंग क्या होता है, क्लासिफाइंग होता है क्या होता है और समराइजिंग क्या होता है। ये हम लोग धीरे धीरे एक एक टॉपिक को करते जाएंगे। तो पहले आप शॉर्ट में इतना समझ लीजिए कि अकाउंटिंग क्या होता है। तो अकाउंटिंग एक आर्ट है। किस चीज़ का आर्ट है? रिकॉर्डिंग का। यानी कि अकाउंटिंग में हमारा सबसे पहला काम क्या करते हैं, हम लोग रिकॉर्डिंग करते हैं, देन उसको क्लासिफाई करते हैं और समराइज करते हैं एक सिग्निफिकेंट मैनर में और इन टर्म्स ऑफ मनी, यानी कि मनी के टर्म में करते हैं। ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स, जो भी हमारे बिजनेस का जो ट्रांजैक्शंस होता है और जो भी उससे इवेंट हो रहा है उसको रिकॉर्ड करेंगे, विच आर इन पार्ट एट लीस्ट ऑफ अ फिनेंशियल कैरेक्टर एंड इन इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ। और फिर देखेंगे कि उससे हम लोगों को क्या रिजल्ट मिलता है। अब इसको अच्छे से समझते हैं। रिकॉर्डिंग, सबसे पहले रिकॉर्डिंग वर्ड पे ध्यान देना है कि हम लोग अपने बुक ऑफ अकाउंट में किस चीज़ को रिकॉर्ड करते हैं। तो पहले ये समझते हैं कि कोई एक था, वो बिज़नेस चला रहा था, कोई एक इंसान है वो एक बिज़नेस चला रहा है। सपोज़ कर लेते हैं कि ये आइसक्रीम का बिज़नेस चला रहा है, ये आइसक्रीम का बिज़नेस इसका है। तो ये ट्रांजैक्शन एंड इवेंट होगा इसके बिजनेस में। जैसे कि यहाँ पे देखते हैं, किसने आइसक्रीम के लिए आइस परचेज़ किया, आइस परचेज़ किया। हो सकता है कि आइसक्रीम सेल करेगा, हो क्या सकता है, ये आइसक्रीम सेल करेगा ही करेगा जब प्रोड्यूस कर रहा है तो। और उसके बाद हुआ कि कुछ लॉस हो गया इसको ड्यू टू लेबर। अब यहाँ से समझते हैं कि रिकॉर्डिंग में क्या क्या चीज़ आता है। तो आपको बस दो ही बात अच्छे से याद रखना है कि हम लोग बुक ऑफ अकाउंट में क्या रिकॉर्ड करते हैं। तो हम लोग जितने भी ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स होंगे उसमें से हम लोग देखेंगे कि कौन सा ट्रांजैक्शन मेरे बिजनेस से रिलेटेड है और किसे हम लोग मॉनेटरी टर्म पे मेज़र कर सकते हैं, उसे ही हम अपने बुक ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। तो ध्यान रखना है कि हमारे बिजनेस में डेली बहुत सारे ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, उसमें से कौन सा ऐसा ट्रांजैक्शन है जो हमारे बिजनेस से रिलेटेड है और कौन सा ऐसा ट्रांजैक्शन है जो मॉनेटरी टर्म में मेज़र किए जा सकते हैं। जिसके पास ये दो प्रॉपर्टी रहेगा, यानी वो बिज़नेस से रिलेटेड होगा यानी हमारे बिज़नेस को अफेक्ट करेगा, और दूसरा हम लोग मॉनेटरी टर्म पे मेज़र कर सकते हैं, उसे ही हम अपने बुक ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। जैसे एग्जाम्पल है, ये आइसक्रीम का बिज़नेस चला रहा था, इसने आइस परचेज़ किया आइसक्रीम बनाने के लिए, आइसक्रीम सेल किया और कुछ लॉस हुआ ड्यू टू लेबर, लेबर की वजह से कुछ लॉस हुआ। हो सके लेबर आज वहाँ पे काम करने आ ही ना हो, इसलिए आज लॉस हो गया। तो जब इसने आइस परचेज़ किया, दो ही चीज़ देखना है कि वो बिज़नेस से रिलेटेड हो और दूसरा जिसको मॉनेटरी टर्म पे मेज़र किया जा सकता है।
तो यहाँ पे आइस खरीदना क्या ये बिजनेस से रिलेटेड है? ऑफ कोर्स ये बिजनेस से रिलेटेड है। इसी पे चेक करिए, क्या ये मॉनेटरी टर्म पे मेजर किए जा सकते हैं? हाँ, हो सकता है कि इसने 10,000 का आइस परचेज किया हो, तो हो सकता है इसमें दोनों क्वालिटी आ रहा है, यानी कि ये हमारे बिजनेस से भी रिलेटेड है और ये हमारे इसे हमें इसे हम लोग मॉनेटरी टर्म पे भी मेज़र कर सकते हैं। डैट मीन्स इसे हम लोग अपने बिजनेस के बुक ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब दूसरा है आइसक्रीम सेल किया, हो सकता है इसने आइसक्रीम सेल किया होगा 30,000 का। तो आइसक्रीम सेल कर रहा है, क्या ये हमारे बिजनेस से रिलेटेड है, हमारे बिजनेस पे अफेक्ट करता है? तो ऑफ कोर्स ये हमारे बिजनेस से रिलेटेड है सेल करना। और कितने का सेल किया? 30,000 का। इसे हम लोग मेज़र भी कर पा रहे हैं किस पे? मॉनेटरी टर्म पे। इसीलिए इसे भी हम अपने बुक ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। अब लास्ट है लॉस ड्यू टू लेबर, ठीक है, लॉस ड्यू टू लेबर। अब ये बिजनेस से रिलेटेड तो है क्योंकि हमारे बिजनेस में ही लॉस हो रहा है, लेकिन क्या एक दिन नहीं आने से कितने का लॉस हुआ है ये हमको पता नहीं है। इसीलिए यहाँ एक क्वालिटी तो आया कि ये बिजनेस से रिलेटेड है, लेकिन इसे मॉनेटरी टर्म पे मेज़र नहीं किया जा सकता, इसीलिए हम इसे अपने बुक ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ से हमें यही समझ में आया कि हम वैसे टर्म को अपने बुक ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं जो हमारे बिजनेस से रिलेटेड हो, यानी जो हमारे बिजनेस को अफेक्ट करता है और जिसे हम लोग मॉनेटरी टर्म पे मेज़र कर सकते हैं, सिर्फ उसे ही हम लोग अपने बुक ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। उसके अलावा किसी भी ट्रांजैक्शन को हम लोग अपने बुक ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। यहाँ तक ये कि रिकॉर्डिंग का मतलब क्या हुआ कि किसी भी ट्रांजैक्शन को जो हमारे बिजनेस से रिलेटेड हो और ऐसा जिसको मॉनेटरी टर्म पे मेज़र किया जा सकता है, उसे बुक ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करना ही रिकॉर्डिंग है। यहाँ तक तो हो गया। क्लासिफाइंग क्या होता है? तो सबके लिए एक सेपरेट बुक बनाना क्या होता है? क्लासिफाइंग होता है। हाँ, जितने भी ट्रांजैक्शन हो रहे सबके लिए अलग अलग पर्टिकुलर बुक बनाना वो क्या होता है? क्लासिफाइंग होता है। और समराइजिंग, यानी जो हम लोग पर्टिकुलर बुक बनाए हैं वो सबका टोटल निकालना ही क्या कहलाता है? समराइजिंग कहलाता है। अभी ज़्यादा परेशान नहीं होना है, मैं इसके बाद एक एक करके आपको समझाऊंगी अलग से कि रिकॉर्डिंग कहाँ पे की जाती है, कैसे की जाती है, क्लासिफाइंग कैसे होता है एंड समराइज कैसे होता है। तो बस अभी अकाउंटिंग का मतलब समझना है कि अकाउंटिंग एक आर्ट होता है। किस चीज़ का आर्ट होता है? तो रिकॉर्डिंग का, क्लासिफाइंग का एंड समराइजिंग का। इसको हम लोग सिग्निफिकेंट मैनर में करते हैं और इन टर्म्स ऑफ मनी, मनी के टर्म पे करते हैं। इसमें जितने भी ट्रांजैक्शन एंड इवेंट होते हैं उसको हम लोग शो करते हैं और इसके रिजल्ट को फिर हम लोग एनालाइज करते हैं। तो अकाउंटिंग का मतलब यही होता है। तो अब अकाउंटिंग समझ में आ चुका है कि क्या होता है, तो अकाउंटिंग करना क्यों ज़रूरी है, अब ये भी समझना ज़रूरी है कि अकाउंटिंग करना क्यों ज़रूरी है, क्यों की जाती है अकाउंटिंग। तो अपने बिजनेस का परफॉर्मेंस देखने के लिए, अपने बिजनेस का परफॉर्मेंस देखने के लिए हम लोग करते हैं अकाउंटिंग। परफॉर्मेंस देखना डैट मीन्स हमारे बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस हुआ है, और प्रॉफिट हुआ है तो कितने का, लॉस हुआ है तो कितने का। अपना बिजनेस का परफॉर्मेंस देखने के लिए कि हमारा बिजनेस किस तरीके से रन कर रहा है, उसे प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, ये सब का कंक्लूजन निकालने के लिए, ये सब पता करने के लिए हम लोग अकाउंटिंग करते हैं। अगर अकाउंटिंग ना की जाए तो डेली ट्रांजैक्शन हो रहा है, डेली इवेंट्स भी हो रहे हैं, तो उस अगर हम लोग उसको रिकॉर्ड ना करें तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो ऐसा बिज़नेस कोई भी नहीं करना चाहता, सभी चाहते हैं कि हम जो भी बिज़नेस करें उससे हमें ये पता चले कि मुझे प्रॉफिट हो रहा है या मुझे लॉस हो रहा है। यहाँ तक क्लियर हुआ होगा आपको। अब आगे यहाँ पे दो टर्म आया है, एक है ट्रांजैक्शन और एक है इवेंट। क्या होता है? तो आपके पास पैसा आया, कहीं से पैसा आया, या आपने सेल किया या आपको लॉस हो गया, लॉस होगा तो पैसा चला जाएगा। तो मान के चलिए कि आपको प्रॉफिट होता है, आपको प्रॉफिट होता है 20,000 का, ठीक है। अब ये प्रॉफिट कहीं ना कहीं से तो हुआ होगा, हो सकता है कि आपने कुछ सेल किया था, आपने कुछ सामान बेचा था, उसमें आपको 20,000 का प्रॉफिट हुआ। तो ये सेल जो कर रहे हो, ये सेल आपका कहलाता है ट्रांजैक्शंस। ये जो आप सेल करते हो ये क्या कहलाता है? ट्रांजैक्शन। और उसकी वजह से आपको अगर प्रॉफिट होता है तो यहाँ पे जो हो रहा है उसकी वजह से वो क्या कहलाता है? इवेंट्स कहलाता है। तो यहाँ तक क्लियर होगा कि मैंने कुछ सेल किया तो ये ट्रांजैक्शन हुआ, मेरे पास सेल करेंगे तो पैसा आएगा, ये ट्रांजैक्शन हुआ।
लेकिन उसकी वजह से मुझे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तो ये प्रॉफिट क्या कहलाता है, उसके लिए इवेंट्स कहलाता है। तो आई होप आप लोग को यहाँ तक क्लियर होगा। एक बार फिर से शॉर्ट में देख लेते हैं कि अकाउंटिंग एक आर्ट है। किस चीज़ का आर्ट है? रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग एंड समराइज करने का आर्ट होता है, जिसे हम लोग एक सिग्निफिकेंट मैनर में करते हैं। और उसको किस टर्म पे करते हैं? टर्म्स ऑफ मनी में करते हैं, यानी कि मनी के टर्म पे। हम लोग अभी जस्ट समझे थे कि अकाउंटिंग में जो रिकॉर्डिंग की जाती है, उस रिकॉर्डिंग में हम लोग किस टर्म को लेते हैं? जो मॉनेटरी टर्म पे मेज़र किया जा सकता हो और जो हमारे बिजनेस से रिलेटेड होता है। तो उसके लिए हम लोग को ध्यान रखना होगा दो ही बात, कि मेरे बिजनेस से रिलेटेड हो और वो मॉनेटरी टर्म पे मेज़र किया जा सके। उसे ही हम अपने बुक ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे, उसको क्लासीफाई करेंगे, उसको समराइज करेंगे सिग्निफिकेंट मैनर में, और यही क्या कहलाता है? अकाउंटिंग कहलाता है। तो ये तीन चार टर्म पे ही हमारा अकाउंटिंग ख़त्म नहीं हो रहा है। अभी इसका हम लोग देखेंगे फीचर्स, वहाँ पे पता चलेगा कि रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग के अलावा जो रिजल्ट्स वगैरह देख रहे हैं वो किस प्रोसेस से होकर के गुजरता है और कैसे हम लोग सब कुछ करते हैं अकाउंटिंग में। वो इसके बाद जब हम लोग भी कैरेक्टरिस्टिक्स करेंगे तो हम लोग समझेंगे। तो चलिए आगे करते हैं, यहाँ तक आप लोग को क्लियर होगा। तो अब आप लोग को अकाउंटिंग का मीनिंग समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक, फीचर्स, एट्रीब्यूट, प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। अब देखिए, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ रहे कैरेक्टरिस्टिक तो भी यही बताना है, फीचर्स तो भी यही बताना है, एट्रीब्यूट्स तो भी यही बताना है, और प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग तो भी यही बताना है। अब क्या क्या फीचर्स होता है वो हम लोग देखते हैं, यानी किस किस कौन कौन सा स्टेप करके ये प्रोसेस कंप्लीट होता है किसका, अकाउंटिंग का। तो देखते हैं, पहला है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। हम लोग सबसे पहले अपने ट्रांजैक्शन और इवेंट को आइडेंटिफाई करेंगे। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो हम लोगों को देखना होगा कि हमारे बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं क्या वो मेरे बिजनेस को अफेक्ट करता है, यानी वो मेरे बिजनेस से रिलेटेड है, और दूसरा कि क्या वो मॉनेटरी टर्म में मेज़र किए जा सकते हैं। हम लोग जस्ट देखे थे अभी कि रिकॉर्डिंग करने के लिए हम लोग वैसे टर्म को लेते हैं जिसको मॉनेटरी टर्म पे मेज़र किया जा सकता हो और जो हमारे बिजनेस से रिलेटेड होता है। तो यहाँ पे जितने भी ट्रांजैक्शंस आपके बिजनेस में हो रहे हैं सबको नहीं लेना है, उसमें से मेरे को छांटना है। हम लोगों को छांट लेना है क्या, कि जो हमारे बिजनेस को अफेक्ट करे वैसा ट्रांजैक्शन, और जिसको मॉनेटरी टर्म पे मेज़र किया जा सकता हो वैसा ट्रांजैक्शन। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन कर लेंगे कि हाँ, ये मेरे बिजनेस को अफेक्ट करता है और इसको मॉनेटरी टर्म पे भी मेज़र किया जा सकता है। देन आता है मेजरिंग, कि आपने जिसे देख लिया कि मेरे बिजनेस को अफेक्ट कर रहा है और उसको मॉनेटरी टर्म पे मेज़र किया जा सकता है, उसको मेज़र कर लीजिए किस पे? मॉनेटरी टर्म पे। जैसे कि वो आइसक्रीम जो बना रहा था, जो आइसक्रीम फैक्ट्री में काम कर रहा था, उसने सेल किया था, उसने परचेज भी किया था। सेल किया था 30,000 का और परचेज किया था 20,000 का। सबसे पहले तो, और यहाँ पे उसे लॉस भी हुआ था, ये लॉस को तो लेंगे ही नहीं क्योंकि ये मॉनेटरी टर्म पे मेज़र नहीं हो पा रहा था। बिजनेस से रिलेटेड था लेकिन इसे मॉनेटरी टर्म पे मेज़र नहीं किया जा सकता था। तो हम लोगों ने देखा कि सेल हुआ, परचेज हुआ, इसे हम लोग कंक्लूड कर, इसे हमें रिकॉर्ड करना है। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई किए कि इसे हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, आइडेंटिफिकेशन हो चुका है। अब इसे मेज़र करना है, किस टर्म पे मेज़र करना है? मॉनेटरी टर्म पे मेज़र करना है। तो हम लोग मेज़र करेंगे कि 3,00,000 का सेल हुआ है और 30,000 का सेल हुआ है और 20,000 का परचेज हुआ है। ये हम लोगों ने मॉनेटरी टर्म पे मेज़र करके रख दिया। तो आइडेंटिफिकेशन भी हो चुका है, मेज़रिंग भी हो गया। अब आता है रिकॉर्डिंग, कि आपने जिसे आइडेंटिफाई किया है और जिसे मेज़र किया है मॉनेटरी टर्म पे, अब उसे रिकॉर्ड भी तो करना होगा अपने बुक ऑफ अकाउंट में। तो जैसे ही रिकॉर्डिंग की बात आती है, हम रिकॉर्डिंग करते हैं जर्नल में। यानी हमारा एक बुक होता है, बुक जिसमें एक हमारा बुक होता है जिसमें हम लोग जर्नल करते हैं। वहाँ पे जितने भी ट्रांजैक्शंस आप लोग कर रहे हैं डे बाय डे, जितने ट्रांजैक्शंस होते हैं उन सबको रिकॉर्ड करके रखा जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है? जर्नल कहा जाता है। उसमें क्या होता है कि एक बुक रहेगा, उसमें आप लोग जो भी परचेज कर रहे हो, एक से ज़्यादा परचेजिंग होगा, एक से ज़्यादा सेल होगा,
और भी बहुत सारे टर्म हो सकते हैं कि आपने किसी को पेमेंट किया तो, या आपको किसी तरीके का एक्सपेंसेस हुआ, किसी तरीके का प्रॉफिट हुआ, और भी सारे टर्म आ सकते हैं। बस अभी बेसिक देखना परचेज और सेल। तो आपने कुछ परचेज किया, आपने कुछ सेल किया, वो सबको आप लोगों ने यहाँ पे रिकॉर्ड करके रख दिया। एक ही बुक में सब कुछ रिकॉर्ड कर रहे हो, परचेज को भी और सेल को भी। तो इसे कहा जाता है जर्नल। जर्नल में जो कॉलम्स होंगे वे मैं आपको बताऊंगी, बस अभी इतना समझिए कि इसके लेफ्ट हैंड साइड में डेबिट होता है और राइट हैंड साइड में क्रेडिट होता है। ये जो अमाउंट लिखेंगे उसके लेफ्ट वाले में डेबिट रहेगा और राइट वाले में क्रेडिट रहेगा। मैं इसका फॉर्मेट जब बताऊंगी तो आगे आपको क्लियर कराऊंगी। देन आया रिकॉर्डिंग भी कर ली, यानी जर्नल में हम लोग रिकॉर्ड कर चुके हैं। अब उसको क्लासीफाई करना है, यानी कि क्लासीफाई करने का मतलब होता है कि जितनी भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं उन सब के लिए एक सेपरेट बुक बनाना, एक पर्टिकुलर बुक बनाना ही क्या कहलाता है, क्लासीफाइंग। और ये होता है, इसे कहा जाता है लेज़र। इसे कहा जाता है लेज़र, यानी जितना परचेज हुआ था उन सब के लिए आप एक अलग बुक बना दीजिए, इसमें सारा परचेज जाएगा, और एक अलग बुक बनाइए उसमें सारा सेल जाएगा। तो ये होता है लेज़र। उसके बाद समराइजिंग। समराइजिंग में क्या करते हैं कि कंक्लूड करते हैं, कैसे करेंगे, तो जितना भी परचेजिंग हुआ है उन सब का क्या निकाल दीजिए, टोटल निकाल दीजिए, और जितना भी सेल हुआ है उन सब का भी क्या निकाल दीजिए, टोटल निकाल दीजिए। यही होता है समराइजिंग। यहाँ पे हम लोग तीन अकाउंट बनाएंगे। पहला बनाते हैं हम लोग यहाँ पे ट्रायल बैलेंस, इसमें भी टोटल करते हैं। फिर बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और लास्टली बनाते हैं बैलेंस शीट। यहाँ पे कुछ नहीं कर रहे, बस समराइज कर रहे कि जितना परचेज हुआ है, जितना आप क्लासीफाई करके रखे थे ना, अलग अलग परचेजिंग, अलग अलग सेल, तो उन सबका परचेजिंग का टोटल निकाल दीजिए और सेल का भी टोटल निकाल दीजिए। उसके बाद आता है एनालिसिस एंड इंटरप्रेटिंग। अब इतना कुछ करने के बाद आप एनालाइज तो करेंगे कि आपको आपका बिजनेस से क्या रिजल्ट मिल रहा है, यानी बिजनेस का परफॉर्मेंस देखेंगे कि आपका बिजनेस जो है वो प्रॉफिट में जा रहा है या लॉस में जा रहा है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सारे काम करने के बाद एनालाइज करेंगे और चेक करेंगे कि हमें अपने बिजनेस से प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। उसके बाद क्या करेंगे, कम्युनिकेशन किससे करते हैं, टू यूज़र्स, कम्युनिकेट करेंगे यूज़र से। यूज़र दो तरीके के होते हैं, एक इंटरनल यूज़र और एक एक्सटर्नल यूज़र। ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि इंटरनल यूज़र कौन होते हैं, एक्सटर्नल यूज़र कौन होते हैं। अभी बस समझ लीजिए कि यूज़र्स दो तरीके के होते हैं, इंटरनल यूज़र और एक्सटर्नल यूज़र। तो कम्युनिकेशन किससे करेंगे, यूज़र से, यानी जो हमको प्रॉफिट और लॉस हो रहा है अपने बिजनेस में वो हम किसको जाके किससे शेयर करेंगे, किसको बताएंगे, तो अपने यूज़र्स को बताते हैं। तो कैसे कैसे हो करके मेरा अकाउंटिंग कंप्लीट हुआ इसका प्रोसेस पूछ दे, या कैरेक्टर्स भी, क्या एट्रीब्यूट या फीचर्स कुछ भी पूछ दे, तो आपको ये सारा टर्म लिखना है। फिर से एक बार शॉर्ट में देखते हैं, आइडेंटिफाई करेंगे, यानी जितने ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं हमारे बिजनेस में उन सबको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। क्या आइडेंटिफाई करना है, कि कौन सा हमारे बिजनेस से रिलेटेड है, जितने भी ट्रांजैक्शंस हुए हैं उसमें से कौन सा ट्रांजैक्शन हमारे बिजनेस से रिलेटेड है, और किसे हम लोग मॉनिटरी टर्म पे मेजर कर सकते हैं। यहाँ से हम लोग उस दोनों जो हमारा क्वालिटी था, जो दोनों आस्पेक्ट था, उस पे रख के हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे और कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि कौन कौन सा मेरे बिजनेस से भी रिलेटेड है और किसे किसे हम लोग मॉनिटरी टर्म पे भी मेज़र कर सकते हैं। आइडेंटिफाई करके रख दिए। सिर्फ आइडेंटिफाई कर लेने से ही हमारा अकाउंटिंग कंप्लीट नहीं हुआ है, अकाउंटिंग इन सारे प्रोसेस को करने के बाद कंप्लीट होगा। तो आइडेंटिफाई कर चुके हैं कि कौन सा टर्म हमारे बिजनेस से रिलेटेड है और किसे हम लोग मॉनिटरी टर्म पे मेज़र कर सकते हैं। फिर आता है मेज़र करना। आप भी आइडेंटिफाई करके आप रख चुके थे कि ये मॉनिटरी टर्म पे मेज़र हो सकता है, तो उसे मेज़र भी कर दीजिए, यानी कि अपने जहाँ पे आपको लिखना है वहाँ पे लिख करके रख दीजिए कि हाँ 30,000 का सेल हुआ है और 20,000 का परचेज हुआ है, मॉनिटरी टर्म पे लिख दिए। फिर उसको क्या करना पड़ेगा, रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो रिकॉर्ड कहाँ करते हैं, जर्नल में करते हैं। एक उसका अलग एक बुक होता है, उस बुक में हम लोग रिकॉर्डिंग करते हैं, जिसमें कि परचेज हो, सेल हो, जितने भी टर्म होते हैं सब कुछ एक साथ आते हैं। जर्नल बनाने के बाद हम लोग क्लासीफाई करते हैं, रिकॉर्डिंग करने के बाद क्लासीफाई करेंगे, यानी जितने भी टर्म आए हैं सबके लिए एक अलग अलग बुक तैयार करना, सबको एक दूसरे से क्या कर देना है, अलग कर देना, परचेज को अलग, सेल को अलग, और जितने भी टर्म हो रहे सबको अलग अलग करके रख दीजिए। ये कहलाता है क्लासीफाइंग, और ये कहाँ होता है, लेज़र में। उसके बाद आता है
समराइजिंग, यानी जितना भी आप अलग अलग बुक बना के रखे थे, अलग अलग अकाउंट बना के रखे थे, उन सबका क्या कर दीजिए, टोटल कर दीजिए कि टोटल परचेज कितना हुआ है, टोटल सेल कितना हुआ है, टोटल प्रॉफिट कितना हुआ है, टोटल लॉस कितना हुआ है, ये सब अलग अलग हम लोग करके रख देंगे। यहाँ पे तीन अकाउंट्स बनेंगे, ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। देन आता है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ये टॉपिक जब आएगा तो मैं आपको करा दूंगी। उसके बाद समराइज करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, एनालिसिस एंड इंटरप्रेटिंग। एनालिसिस का मतलब होता है कि हम लोगों ने जिसे भी समराइज़ करके रखा है उसके बाद चेक करेंगे कि हमारा बिज़नेस का परफॉर्मेंस क्या है, यानी हमारा बिज़नेस प्रॉफिट में चल रहा है या हमारा बिज़नेस लॉस में चल रहा है। अपना बिज़नेस का परफॉर्मेंस चेक करेंगे, उसके बाद कम्युनिकेट करेंगे किससे, अपने यूज़र से। तो यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो चुका होगा। अब आगे एक चीज़ और समझना है आप लोगों को कि जो हमारा ईयर होता है, जितने भी अकाउंट्स में हम लोग पढ़ेंगे उसमें ईयर आपको देखने को मिलेगा दो तरीके का ईयर। एक मिलता है 1 January to 31 December, ये तो आप लोग शुरू से सुनते आ रहे हैं। अब नया मिलेगा आप लोग को देखने को 1 April to 31 March। तो 1 January to 31 December वाले को कहा जाता है कैलेंडर ईयर, और इसे कहा जाता है फिनेंशियल ईयर। अब होगा क्या कि आप लोग जो अकाउंटिंग करते हो उसे कभी ना कभी तो क्लोज करना पड़ेगा। तो हम लोग साल के एंड में जब भी शुरू किए हैं उसके बाद साल के एंड में हम लोग अपने बुक ऑफ अकाउंट को क्या करते हैं, क्लोज करते हैं। तो क्लोज करना होगा, तो अगर आपका ईयर स्टार्ट हुआ 1 January को तो आप क्लोज करेंगे 31 December को, और आपका ईयर अगर स्टार्ट हुआ 1 April को तो आपका एंड करेंगे 31 March को, आप अपने बुक को क्लोज कर देंगे। तो इसे कहा जाता है कैलेंडर ईयर, इसे कहा जाता है फिनेंशियल ईयर। तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा कि अकाउंटिंग का मीनिंग क्या होता है, इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इसका फीचर क्या है, एट्रीब्यूट क्या है, या फिर प्रोसेस क्या है, यानी कितने टर्म के बाद, यानी कि कितना सारा स्टेप के बाद इसका प्रोसेस कंप्लीट होता है, ये सारा हम लोग देखे, यानी 7 स्टेप के बाद जा कर के हमारा अकाउंटिंग कंप्लीट होता है। अब इसके बाद जो भी टॉपिक आएगा, जैसे कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग है, और भी बहुत सारे टर्म हम लोग को सीखना है, यानी बहुत सारे वर्ड्स यूज़ होंगे अकाउंटिंग में, वो हम लोग जो भी बेसिक टर्म होते हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सारे टर्म को धीरे धीरे करके समझने का कोशिश करेंगे। तो आप लोग को यहाँ तक क्लियर होगा कि अकाउंटिंग का मीनिंग क्या होता है और अकाउंटिंग का कैरेक्टरिस्टिक, फीचर्स, एट्रीब्यूट या प्रोसेस क्या होता है, यानी हमारा अकाउंटिंग जो है वो टोटल 7 स्टेप में जा करके इसका प्रोसेस कम्प्लीट होता है। तो आई होप आप लोग को यहाँ तक क्लियर होगा। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, जो लिखा है बोर्ड पे। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग या फिर और भी बेसिक टर्म होंगे, यानी इसमें अभी अकाउंटिंग जब आप करेंगे तो बहुत सारे नए टर्म आएंगे, तो उन सब टर्म को समझना ज़रूरी है। बिना टर्म को समझे ये अकाउंट्स नहीं समझ में आएगा। तो अकाउंटिंग को समझने के लिए जो बेसिक टर्म होंगे वो मैं आपको धीरे धीरे करके नेक्स्ट वीडियो में ये कंप्लीट कराऊंगी कि सेल का मतलब क्या है, परचेज का मतलब क्या है, और जो भी नए टर्म आएंगे सबका मैं आपको मीनिंग कराऊंगी। तो आज के लिए इतना ही।